तो आज हम बनाएंगे राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे, या फिर आप इसे मिर्ची की सब्जी भी कह सकते हैं। मार्केट से कोई स्पेशल मसाला खरीदने की जरूरत नहीं, घर में रखे मसाले से ही हम इसे बना सकते हैं। तो ना बहुत ही तीखी और ना ही बहुत ही फीकी ऐसी वाली मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी मिर्ची ले सकते हैं। तो मिर्ची की डंठल हटा के हमें एक एक इंच की साइज में इसे काट लेना है। तो ये देखिए, एक कटोरा भर के मैंने सारी मिर्ची को काट लिया है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच हम तेल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, लेकिन सरसों का तेल है तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और हींग के बाद हम इसमें मिर्ची ऐड कर लेंगे। तो हमें मिर्ची को कुक कर लेना है। तो इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, मध्यम आंच पर पकाएंगे इसे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हम 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। घर में रखी बिना सेकी हुई सौंफ को मैंने मिक्सर में पीस लिया था। तो सौंफ के पाउडर का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है और आमचूर पाउडर ऐड करने से ये बहुत ही चटपटे लगते हैं। तो हमें इसे ढककर मिर्ची के नरम होने तक या फिर 4 से 5 मिनट मध्यम आंच पर इसे पकाना है। तो ये देखिए, मिर्ची भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो दाल चावल के साथ या फिर पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक ले बाय।